ये झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन में। 81 विधानसभा को छूने वाला आज लाखों युवा सड़क पर हैं क्योंकि उनको नियोजन नीति में ठगा गया है। और ये ठगना जो एक षड्यंत्र के तहत है, विधि विभाग ने इनको बताया था कि भाई जिस पैरामीटर्स पर आपने बनाया है वो टिकेगा नहीं, कानून पे वो टिकेगा नहीं, और एग्जैक्टली वही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको ताकीद की थी कि भाई अगर आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर लॉ पे अगर आप पूरी तरह से करेक्ट करके अगर नहीं लाएंगे बिल को तो ये जो है निरस्त हो जाएगा, और वही हुआ। ये फिर ठगने का काम कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे संशोधन करके इसको पूरी तरह ठीक करना चाहिए। आप समझिए, इस राज्य में केवल 6% लोग उर्दू बोलते हैं, और जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या 62% है, अंग्रेजी भी करीब 25% लोग बोलते हैं, और ऐसे में हिंदी और इंग्लिश को गौण करके उर्दू को प्राथमिकता देना, ये वोट प्राप्त करने का एजेंडा हो सकता है। इस राज्य में नियोजन का एजेंडा तो नहीं था। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि नियोजन नीति में जो संशोधन हुआ था उसमें राज्य सरकार की ओर से कोई भी त्रुटियां या फिर कोई भी गलती नहीं है, हाईकोर्ट से रद्द कर दिया गया, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर जाएंगे। अगर कोई त्रुटि नहीं थी तो हाईकोर्ट कोई पागल तो है नहीं, वो तो लॉ के पैरामीटर पर उसने जज किया और उसने देखा कि ये जो बिल है ये कानून जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत नहीं है, और उन्होंने कमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 16 के पैरामीटर पर ये फिट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग निरस्त करते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, इससे अच्छा है कि वो यहाँ पर ही अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, और जिन नौजवानों का समय खराब हुआ है, जिन्होंने नौकरी अपनी गंवाई है या गंवाएंगे, उनसे इस सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको उनके आयु का विस्तार करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि वो एज आउट हो जाए और उनको नौकरी ना मिले। साहिबगंज मामला को भी लेकर आप लोग अपनी आवाज़ को आज बुलंद करेंगे क्या? आज एक और घटना हो गई है वहाँ पे। आपको जानना होगा कि बोरियो में एक किसी सद्दाम नाम के व्यक्ति ने पुनः एक बहुसंख्यक महिला जो पहाड़िया है उसको आज उसने बलात्कार किया है। तो ये संताल परगना का डेमोग्राफी जो चेंज किया जा रहा है बांग्लादेशियों को ला करके, और उसका ये खामियाजा आज ये राज्य भुगत रहा है, और सरकार बिल्कुल बैठी हुई है। तो 2 दिन में 2 घटनाएं, आप कहें तो 1 हफ्ते में 2 घटनाएं, और महिलाओं पर अत्याचार, वो भी प्रिमिटिव ट्राइब की जो महिला है उस पर अत्याचार, इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।